वहीं रूस तालिबान को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाने वाला है। रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी आरआईए नोवोस्ती ने इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि कजाकिस्तान ने हाल ही में तालिबान को लेकर यह फैसला लिया है और हम भी जल्द ही इसे लागू करेंगे। लावरोव ने कहा कि तालिबान असली ताकत है, हम उनसे अलग नहीं है। सेंट्रल एशिया में हमारे सहयोगी भी उनसे अलग नहीं पा रहे हैं। वही अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 साल बाद रूस ने यह फैसला किया है। दरअसल पिछले साल के अंत में कजाकिस्तान ने तालिबान को बैन किए गए आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाया था। रूस ने भी तालिबान पर तमाम पाबंदियों के बावजूद उससे अपने संबंध बनाए रखे हैं।